हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइड एपीडिया। तो दोस्तों, ये प्रकाश पाइप्स लिमिटेड का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कंपनी का क्या बिजनेस है, फाइनेंशियल क्या सिचुएशन क्या है, और इसके साथ साथ मैंने कहा था कि पार्ट टू में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, फर्दर रिसर्च करके बताएंगे कि इस कंपनी में और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका पी जो है सिर्फ 10 का दिख रहा है, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के पार्ट वन देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि ये कंपनी का वैल्यूएशन अगर पी के बेसिस पे देखा जाए या पी ग्रोथ जिस हिसाब से 15% से ज़्यादा की ग्रोथ है इस कंपनी में, तो पी कम से कम जो है 20 या 30 का होना चाहिए। उस हिसाब से शेयर प्राइस इसका 400 या 600 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे शेयर प्राइस सिर्फ 200 रुपये का है, तो कहीं ना कहीं शायद बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, या फिर इस बिज़नेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता ना हो। तो उसके लिए फर्दर रिसर्च करती और हमने क्या निकाला, कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट होता है वो निकाला, और यहाँ पर जो है ये आपका दिसंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिज़ल्ट वहाँ निकाला। और इस कंपनी में कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली, वो ये कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और उस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है और उसी के साथ साथ उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि ये डेटा इतना ज़्यादा है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने डेटा निकाला हुआ है कि इनका जो सेगमेंट है, एक पाइप्स एंड फिटिंग्स का, दूसरा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का, जिसमें जो है मैंने 9 महीने को 12 महीने मान कंसिडर करके उसको निकाल दिया था कि 12 महीने की क्या रेवेन्यू होगी। तो पिछले 9 महीने की बेसिस पे प्रोजेक्ट किया कि 12 महीने की क्या रेवेन्यू होगी, उसी को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो उस हिसाब से 386 करोड़ की रेवेन्यू, ये सारे फिगर्स करोड़ में दिए हुए हैं, तो 386 करोड़ की रेवेन्यू पाइप्स एंड फिटिंग से आई। वहीं पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से 204 करोड़ आई। और यहीं पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो 386 करोड़ में सिर्फ 65 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और यहाँ पे 204 करोड़ की रेवेन्यू में सिर्फ मात्र 3 करोड़ का तकरीबन जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि काफ़ी कम लग रहा है कि इतनी बड़ी रेवेन्यू होने के बावजूद जो है ज़्यादा डिफरेंट नहीं है 386। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिर्फ जो है अगर यहाँ पे परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो ये तकरीबन 15 से 16% का आ रहा है, 16.7 का, ये सिर्फ 1.5% का आ रहा है। तो ऐसा क्या है, क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इनका जो है बिजनेस कैसा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी वजह से सिर्फ 1.5% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर रेवेन्यू से कंपेयर करें सिर्फ 1.5% का। यहीं पे पाइप्स एंड फिटिंग्स का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, 16.7% का। और यहीं पे बात करें कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है, या ये कह लीजिए कि इस सेगमेंट में जो पाइप्स एंड फिटिंग्स का जो सेगमेंट है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट या कितना असेट लगा हुआ है इतने ज़्यादा रेवेन्यू और ओवरऑल बिजनेस करने के लिए, तो 132 करोड़ का है, और यहीं पे 159 करोड़ का है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एकदम सिंपल सा पता लग रहा है कि जो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जो है इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाइप्स एंड फिटिंग्स में। 160 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 3 करोड़ रुपये का रिटर्न ला रहे हैं, और यहाँ पे 132 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 65 करोड़ का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ला रहे हैं। इस हिसाब से काफ़ी इनफिशियंट लग रहा है। अगर आरओआई की बात करें, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो 132 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उस पर 48% का आरओआई, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जो है 159 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.2% का, सिर्फ 2% का आरओआई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुअर लग रहा है। लेकिन ये तो है, लेकिन कंपनी को अगर एक सेगमेंट में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसको जो है कंपनी को फिर जो है उसको जो है कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, और ज़्यादा फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो है 14,400 टन पर एनम की जो है कैपेसिटी है, मेट्रिक टन पर एनम, इसको 4,800 और बढ़ा रही है तकरीबन, जो है अच्छा खासा परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो 5-15, इसका मतलब जो है 30% की जो है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, यानी जो है 160 करोड़ जो लगाए हुए हैं इसमें तकरीबन आपके जो है 40-50 करोड़ और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि कंपनी को जो
असेट एलोकेशन है जिसको कहते हैं, हम एक बार पैसा कमाया फिर उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतना कम प्रॉफिट है, यहाँ पे कंपटीशन शायद इनका बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो अगर इनके पास इतना कम प्रॉफिट है फिर ये एक्सपेंशन ही क्यों कर रहे हैं, उस बिज़नेस को वैसे ही चलाएं या फिर वो उसको बंद कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 160 करोड़ को कहीं और यूटिलाइज़ किया जा सकता है, नहीं तो सिर्फ FD में ही डाल दें तो वो और ज़्यादा रिटर्न देगा, एटलीस्ट 2% से ज़्यादा का, तो 6% का रिटर्न तो FD भी देता। तो फिर इस बिज़नेस को सेंस नहीं बन रहा और उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट जो कि ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पुअर एलोकेशन समझ में आ रहा है कि ये पुअर एलोकेशन है कैपिटल की, और इसी वजह से PE जो है सिर्फ 10 का कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये पहले मैंने बताया था कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है जो है इस सेगमेंट से 27% रेवेन्यू आ रहा है, और वहाँ से सिर्फ जो है 2% का प्रॉफिट है 1.5% का प्रॉफिट है, उस हिसाब से इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनी कर रही है, तो इस वजह से इनका जो है PE इतना कम है। PE जो है इस तरह से यहाँ पे एक ये ग्रोथ कंपनी तो है बट यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन का इशू लग रहा है। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उम्मीद करता हूँ ये जो डेटा है उसी के बेसिस पे आप जो है थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी। इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, पार्ट 3 में मैं बताऊँगा कि मेरी क्या अप्रोच होगी, इस चीज़ को मैं कैसे देखता हूँ, और वो सिर्फ मेरा प्योर पॉइंट ऑफ व्यू होगा पार्ट 3 में। ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 में प्योर मैंने डेटा पे बात की कि क्या एक्चुअली फैक्ट है, क्या हो सकता है। तीसरी चीज़ जो है एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, कैसे देखता हूँ, तो उस चीज़ का जो वीडियो होगा मैं पार्ट 3 का अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ जो मेरे साथ जो है जुड़े हुए हैं, हमारी जो कम्युनिटी चलती है उसका पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और पार्ट 3 जो है मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जो है जल्दी शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं हमारा जो सेकंड पार्ट भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।